conclude our topic that nutrition in plant. देखो first of all हम जानते हैं nutrition होता क्या है. Nutrition actually food होता है जो हमारी body की requirement होती है, हमारी body की growth के लिए, हमारी body के development के लिए, हमारी body की जो worn out tissues होती हैं उनकी repairing के लिए nutrition is very important part. जैसे कि हम जानते हैं कि living being में हम animal और plant दोनों को लेते हैं. तो एनिमल एंड प्लांट बोथ आर अ लिविंग बींग. तो इस तरीके से हम कहेंगे कि एनिमल एंड प्लांट दोनों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन द प्लांट. देखिए न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट दो शब्द दो वर्ड है. एक न्यूट्रिएंट माने होता है. देखिए न्यूट्रिएंट माने क्या होता है मैं आपको बताऊँ. न्यूट्रिएंट माने होता है कंपोनेंट ऑफ फूड. न्यूट्रिएंट माने होता है कंपोनेंट ऑफ फूड. न्यूट्रिएंट माना होता है कंपोनेंट ऑफ फूड. जो फूड के पार्ट होते हैं उन पार्ट को हम कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. अब फूड के कौन कौन से पार्ट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, दीज आर द पार्ट ऑफ द फूड. दीज आर द पार्ट ऑफ द फूड. अब न्यूट्रिशन क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ द फूड. जो फूड हम लेते हैं उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपरट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, हाइपरट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है एंड सेफरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर. न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास सेवन. अब आता है आपका टॉपिक आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या. ऑटो माने होता है सेल और आपके ट्रॉपिक माने न्यूट्रिशमेंट. द प्लांट मेकिंग द फूड इट सेल्फ यानी कि जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. अब देखिए प्लांट जो अपना फूड अपना सेल बनाता है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या कहते हैं उसको. फोटोसिंथेसिस फोटो माना सूरज की रोशनी, सिंथेसाइज माने उसको यूज करके, तो इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे कंपोनेंट हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का काम लीफ का होता है. लीफ के अंदर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम इसको मेटा करते हैं. अब उसके बाद हमारा आता है रूट्स. जो रूट्स होती है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं. तो रूट्स वाटर को कैप्चर करता है. रूट्स वाटर को कैप्चर का काम करती है इसलिए हम उसको. अब देखिए अब जो हमारे लीव्स होती हैं लीव ग्रीन कलर की होती हैं उसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को कैप्चर करने का काम क्लोरोफिल का ही होता है. ठीक है. तो आप लोग समझ में आ गए. अब देखिए जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिलके जो बनता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं. क्या होता है C6H12O6. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. हेट्रो हेट्रो माना होता है अदर. जो हेट्रो माने अदर्स. ठीक. अब देखिए आपके जो एनिमल्स होते हैं वो तीन तरीके होते हैं. एक होता है प्लांट, एक होता है हार्बीवोर, जो एनिमल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. एक होता है कार्निवोर जो मीट खाते हैं. एक होता है ओमनीवोर. ओमनीवोर ओमनीवोर क्या होता है. जो एनिमल मीट और प्लांट प्रोडक्ट दोनों को ही खाते हैं उस प्रोसेस को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो या ओमनीवोरस हो, ऑल थ्री प्लांट को फूड की रिक्वायरमेंट होती है और वो फूड की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट से ही लेते हैं. तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक द फूड इट्स दोज ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड डिपेंड ऑन द अदर आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रॉप.
इस प्रोसेस को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब देखिए जैसे कि हमारे कोई सब्सटेंस है, पेड़ है एंड और एनिमल मर जाते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, तो डिकम्पोजिंग के द्वारा वो क्या करते हैं, जो अपने फूड को अपनी फूड की रिक्वायरमेंट डैट और डिकिंग पार्ट जो सब्सटेंस गल जाते हैं, जो सब्सटेंस गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनसे लेते हैं, उसको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए एक तो ये चीज़ है कि गॉड ने हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ऐसे ऑर्गेनिज्म भी बनाए जो अपनी रिक्वायरमेंट डैट और टेकिंग पार्ट लेते हैं, लेकिन हम उनको नेचुरल क्लीनर भी बोलते हैं क्योंकि जो जितने बेस मटेरियल होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। तो ये हमारे सॉइल के जो हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस भी करते हैं, ये हमारे नेचुरल क्लीनर भी होते हैं। जैसे हमारे फंगी है, ये क्या है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं।